Okay, let us continue with our discussion of the physics section of IIT JEE Mains 2013. Next question जो हम ले रहे हैं ये simple harmonic motion और waves से related हम इसे बोल सकते हैं. The question is, the amplitude of a damped oscillator decreases to 0.9 times its original magnitude in 5 seconds. In another 10 seconds, it will decrease to alpha times its original magnitude, where alpha equals dash. हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है. नाउ पढ़ने पर ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है. हम ये सोचने लग जाएंगे कि डैम्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं. हमें सिर्फ एक सिंपल सी चीज यहां पर याद रखनी है. डैम्ड ऑसिलेशंस में केवल एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके करता है. डैम्ड ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जैसे अगर हम एक पेंडुलम को एम्पलीट्यूड कुछ डिस्प्लेसमेंट देकर छोड़ दें तो वो इस तरह से ऑसिलेट करते हुए अल्टीमेटली आकर रुक जाता है. दिस इज अ डैम्ड ऑसिलेशन. टाइम पीरियड कभी भी चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है. व्हाट चेंजेस इज द एम्पलीट्यूड, और वो एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डीके होता है. अ जनरल इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस kt, where k is some constant. A naught will be the initial amplitude. अब यहां पर जो डेटा दिया है, टाइम 5 सेकेंड्स पर एम्पलीट्यूड 0.9 टाइम्स हो जाता है. एट t1 इक्वल टू 5 सेकेंड्स, a1 इज इक्वल टू 0.9 टाइम्स a naught. इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज डाल दें. 0.9 a naught is equal to a naught e to the power minus k t1. t1 is 5 seconds. फिर हमसे पूछा गया है in another 10 seconds what will be the value of the amplitude, or we can say what will be the ratio of the amplitude to the initial amplitude. t2 time पर टाइम t2 5 सेकेंड के बाद 10 सेकेंड और इलैप्स हो चुके हैं, सो टाइम इज 15 सेकेंड्स. इस टाइम पर हमें एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करना है. ठीक है, अगेन हम वैल्यूज पुट करें. a2 इक्वल्स a नॉट e टू द पावर माइनस t2 इंटू कॉन्स्टेंट k. नाउ में साफ साफ दिख रहा है t2 इज 3 टाइम्स t1, या हम यहां वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहां 5k1 दिखेगा, यहां पर 15k दिखेगा. a नॉट e टू द पावर माइनस 5k, यहां में दिखेगा e टू द पावर माइनस 15k. ठीक है, दैट मींस दिस फैक्टर इज this factor to the power 3. इस factor को अगर हम cube कर देंगे तो हमें यह factor मिल जाएगा. इस factor की value हम यहां से निकाल सकते हैं. It will be 0.9. So a2 equals a naught 0.9 to the power 3. यहां से हमें मिल जाएगा a2 upon a naught, जिसको question में alpha define किया गया है, is equal to 0.72. नहीं, जो कि हमें ऑप्शंस में दिखने लगेगा, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. ठीक है,